Hello friends, welcome to e-commerce with Shukla classes. I am Anubhav, tutorial on dbms. Today's topic is SQL built-in functions. Complete topic jo hai wo hindi aur english mein hoga, to chaliye shuru karte hain aaj ke lecture ko hum. Let's begin. Agar aap self study karna chahte hain hamare channel pe, to mobile phone aur laptop ki awaaz ko band kar sakte hain. Thank you for attention and let's start the topic, SQL built-in function. SQL में कुछ built-in function हैं, बहुत सारे हैं, जिनमें हम first को define कर रहे हैं अभी, sum. Sum function का जो प्रयोग है, वो numeric column के total sum को select करने के लिए किया जाता है. इसका syntax है, select sum column और form table. Example अगर लें, तो last name, first name student का है, जोसी युगल कोमल, उनकी age को यहाँ पे हमने database में store किया है. यह table student नाम से है, इस table के column के सभी edges को जोड़ दिया गया है. जाता है सिलेक्ट सम इज फ्रॉम स्टूडेंट, एग्जांपल के लिए 64. सेकंड है हमारा बिल्ट इन फंक्शन एवरेज, जिसे हम ए बी जी के नाम से डिफाइन करते हैं. ए बी जी फंक्शन जो है वो कॉलम की औसत वैल्यू को रिटर्न करता है. इसका सिंटैक्स है सिलेक्ट एवरेज, यानी कि ए बी जी कॉलम फ्रॉम टेबल. एग्जांपल अगर ऑल नहीं, तो सिलेक्ट ए बी जी इज, जो इज को हमने यहाँ पे स्टूडेंट में डिफाइन किया था पहले, और उसका जो कंप्लीट यहाँ पे हमारा एवरेज निकल के आ रहा है वो 21.33 निकल के आ रहा है. थर्ड बिल्ट इन फंक्शन है मैक्सिमम, यानी कि मैक्स. मैक्स फंक्शन कॉलम में सबसे उच्च यानी कि हाईएस्ट वैल्यू को रिटर्न करता है. इसका जो सिंटैक्स है वो है सिलेक्ट मैक्सिमम, यानी कि मैक्स कॉलम फ्रॉम टेबल. एग्जाम्पल अगर लेते हैं, तो ऊपर की टेबल से सिलेक्ट एवरेज इज जो है उसकी फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो इसका जो एग्जांपल आता है वो है उसका आंसर इज इक्वल टू 23. सो एवरेज उसकी एज स्टूडेंट की वो 23 निकल के आती है. फोर्थ है मिनिमम. अभी तक मैक्सिमम देखा, मिनिमम देखते हैं. मिनिमम फंक्शन का जो यूज़ है वो कॉलम की लोएस्ट यानी कि निम्न वैल्यू को रिटर्न करने के लिए किया जाता है. इसका जो सिंटैक्स है वो है सिलेक्ट मिनिमम, यानी कि मिन कॉलम फ्रॉम टेबल. एग्जाम्पल अगर लें, तो ऊपर की टेबल से हम सिलेक्ट मिनिमम एज फ्रॉम स्टूडेंट, इसका जो एग्जाम्पल उदाहरण है उसका आंसर जो है 20 है. फिफ्थ नंबर है हमारा बिल्ट इन फंक्शन काउंट. काउंट फंक्शन का जो उपयोग है एक डेटाबेस टेबल में रोज की संख्या को गिनने के लिए, काउंट करने के लिए किया जाता है. इसका जो सिंटैक्स है वो सिलेक्ट काउंट कॉलम फ्रॉम टेबल. सिक्स नंबर पे हमारा आता है बिल्ट इन फंक्शन SQRT, यानी कि स्कर्ट. इस फंक्शन का जो प्रयोग है वो दिए हुए नंबर के वर्गमूल, जिसे हम स्क्वायर कहते हैं, स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है, इनकी ज्ञात करने के लिए किया जाता है. सेवन नंबर पे रैंड. रैंड फंक्शन का यूज़ क्या क्यों करते हैं हम? इस फंक्शन का जो यूज़ है वो रैंडम नंबर को जनरेट करने के लिए किया जाता है. तो रैंड फंक्शन भी एक बिल्ट इन फंक्शन है SQL में. इसका यूज़ हम करते हैं जनरेट करने के लिए रैंडम नंबर्स को. एट नंबर पे है हमारा न्यूमेरिक फंक्शन. इस फंक्शन का जो प्रयोग है वो सामान्यतः गणितीय मैनिपुलेशन, यानी कि मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करने के लिए किया जाता है. कुछ न्यूमेरिक फंक्शन ऐसे हैं ASIN, ABS, float, integer, LN, यानी कि long, cot, cos, double, long, tan, यानी कि हम log कहते हैं. नाइन नंबर पे हमारा बिल्ट इन फंक्शन स्ट्रिंग फंक्शंस. स्ट्रिंग फंक्शंस का जो यूज़ है ये हमारा लास्ट होगा. स्ट्रिंग फंक्शन मैनिपुलेशन के लिए किया जाता है. कुछ स्ट्रिंग फंक्शंस हैं जो कि नीचे डिफाइन आउट किए गए हैं आपको. इसमें है हमारे कैरेक्टर, कॉनकैट, ग्राफिक, डिजिट्स, एलकेस, लेफ्ट, लेंथ, लोकेटर और लोअर और डिफरेंस. तो आशा करते हैं वीडियो हेल्पफुल रहा होगा आपके SQL के बिल्ट इन फंक्शन को समझने में. वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं, और कमेंट करें आपको कुछ भी समझ में ना आए या फिर किसी और टॉपिक के बारे में वीडियो चाहते हो तो. और ऐसे सिंपल कंटेंट को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. हिट करें बेल आइकन को हमेशा अपडेट रहने के लिए. थैंक यू.